नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं को खासी लुभा रही है। हर दिन कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन परिचत बने रविन्द्र सैनी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नन्ही देवी सैनी ने भगताचार्य को साल पटका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। प्रातः बेला में हो रहे हवन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने घर परिवार समाज एवं राष्ट्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना हेतु हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की। प्रमुख कथावाचक अवधेश मिश्रा ने कहा कि स्वयं के आचरण में सुधार के बिना मानव का कल्याण संभव है। एक बार भगवान का भजन ना भी हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने बुरी आदतों को संभाल लिया तो बस यही आपका भजन है, भगवान की पूजा के बराबर है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए रामकिशोर वर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।